ओपन है और हम यहाँ पे लगभग 30 से ज़्यादा आदमी रह रहे हैं और सारे के सारे पांगी से संबंध रखते हैं। और हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 30 बंदे होने की वजह से एक कमरे में काफ़ी 3-4 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में टफ हो रही है। और हम क्योंकि काफ़ी दूर दराज क्षेत्र पांगी से संबंध रखते हैं और हमारे वहाँ पे साल भर एक ही फसल होती है और हम सबकी डिपेंडेंसी उसी फसल पे होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे परिवार के मुखिया है और घर का जो भी खेती बाड़ी का मैनेजमेंट होता है वो हम ही लोग करते हैं। तो हम यहाँ पे फंसे तो ऊपर हमारी खेती बाड़ी को देखने वाला प्रॉपर से उसका मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है, तो हमने प्रशासन से दरख्वास्त की थी कि हमें यहाँ से ऊपर किसी न किसी तरीके से भेजा जाए, लेकिन अभी हमें लगभग 1 महीना हो गया है लेकिन हम यहीं पे हैं। हमने विधायक साहब भी यहाँ पे आए थे और SDM साहब बीच में आए थे और इसके अलावा हमने DC साहब को लेटर भी लिखा था इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने क्या बताया आपको? तो उन्होंने बोला कि या जैसे पॉसिबल होगा बीच में फ्लाइट करेंगे या फिर यहाँ से टैक्सी वगैरह के ज़रिए हमें पांगी छोड़ेंगे। 19 तारीख को मैं चंबा में अपनी बहन को लेने आया हुआ था, जो कि नवोदय में पढ़ती है, उसका फ़्लाइट में नंबर लगा हुआ था और मैंने उसे 20 तारीख को दिन दोपहर को लिया वहाँ से। उसके बाद उसका फ़्लाइट में नंबर लग गया और वो चली गई। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं पर रह गया। प्रशासन ने कई बार बोला कि फ़्लाइटें होंगी या फिर आपको बस से भेजा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कहीं से नहीं भेजा गया और यहीं पे हम रह गए। और बस अब मैं इतना चाहता हूँ कि हमें किसी न किसी तरीके से घर भेज दिया जाए। मैं राजकुमार पांगी से, हम नवोदय के पेरेंट्स हैं, 16 सतारह यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हमने बच्चे तो फ्लाइट पे भेज दिए लेकिन हमें आज महीने दिन हो गए यहाँ फंसे हुए और कुछ निजी कामों से आए हुए थे, तो इसलिए हमें घर जाने की कुछ व्यवस्था की जाए सरकार से। अगर आप तो हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ गई है सर, हमें तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे मेडिसिन लेना कुछ ऐसे, उसके लिए भी हमारे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने प्रशासन को नहीं बोला? प्रशासन को बोला, कुछ हेल्प तो कर रहे हैं प्रशासन खाने पीने में, और पानी चंद जी जो पांगी के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है, खाने पीने की कोई तंगी नहीं दी हमें। अच्छा, सिर्फ ये फाइनेंस प्रॉब्लम भी अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जो डेली नीड होते हमारे के मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसे कुछ लेना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है। कि ऐसा है, यहाँ पे कुछ पांगी के लोग पहले आए थे और जिनके बच्चे भी थे काफ़ी सारे JNV में, जिसके लिए करीब 4 फ्लाइट्स गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई और करीब 80 लोगों को उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। परंतु उसके बाद यहाँ पे उनकी ट्राइबल भवन में जितने भी लोग थे पूरी व्यवस्था करा दी चुकी जा चुकी है, सारा राशन वगैरह सारा जो भी प्रबंध था वो हो चुका है। परंतु लोगों को ये इशू आ रहा है कि वहाँ पे उनका सीज़न है, सब्जी का सीज़न है, फिर भी ऐसा हो रहा है कि वो नहीं जा पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन मजबूरी ये है कि जो फ्लाइट है उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, परंतु ऐसे समय पे जबकि कोरोना की महामारी फैल रही है, इस समय पे कोई भी इस प्रकार का मूवमेंट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। परंतु फिर भी प्रशासन भी इस प्रकार से कोशिश में, सरकार भी इस प्रकार से कोशिश में, जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।